नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल इलेक्ट्रॉनिक स्टडी में। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे पाठ योजना लेसन प्लान के बारे में, जिसमें जो आज का जो विषय है वो है इतिहास और नागरिक शास्त्र। इसमें जो प्रकरण है आज का वो है नदी घाटी सभ्यता। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे नदी घाटी सभ्यता के तहत, देखेंगे कि नदी घाटी सभ्यताएं कौन कौन सी थी उस प्रकरण को लेकर के, साथ में अपने यहाँ की सिंधु घाटी सभ्यता के भी बारे में बात करेंगे जो है। ठीक है, तो ये जो है लेसन प्लान वो है कक्षा 6 के लिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि हमारे वीडियोस अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ एक बार कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। ठीक है, आप कमेंट नहीं करते हैं तो थोड़ा सा मतलब अच्छा नहीं लगता है। प्रोत्साहन वाली बात होती है जब आप कमेंट करते हैं तो, ठीक है, मोटिवेशन मिलता है कुछ और अच्छे वीडियोस बनाने के लिए आप सभी के लिए। प्लीज़ एक बार कमेंट ज़रूर कर दिया करें कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं, आपको अच्छे नहीं लग रहे हैं, उसमें कुछ सुधार करना है तो भी आपका स्वागत है। आप बता सकते हैं बिल्कुल अच्छे लग रहे हैं तो बिल्कुल ज़रूर बताएं। वहाँ पे जो हमारे नए मित्र हैं, जो नए मेहमान हैं हमारे, जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लें। रेड बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। ठीक है, नोटिफिकेशन की बटन है, नोटिफिकेशन या मैसेज की बटन है। ठीक है, कुछ भी वीडियोस में अपलोड करूंगा वो आपको पता चल जाएगा कि मैंने आज ये वीडियो अपलोड किया है। ठीक है, तो सब्सक्राइब करें। ठीक है, बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, लाइक कमेंट जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें अगर मैं बात करूँ इसके प्रारूप के बारे में, तो डेट इसमें पड़ी हुई है 23/4/2016। जो कक्षा है, जो क्लास है वो 6 क्लास के लिए है। जो चक्र है वो, अगर मैं चक्र या वादन की बात करूँ यानी जो पीरियड चल रहा है वो सेकंड चल रहा है, अवधि 30 मिनट्स की है। विषय है इतिहास एवं नागरिक शास्त्र। ठीक है, तो और जो टॉपिक है, जो प्रकरण है वो है नदी घाटी की सभ्यता। तो बात करते हैं इसमें हम, सबसे पहले बात करते हैं सामान्य उद्देश्य को लेकर के, जो जनरल ऑब्जेक्टिव है। इसमें लिखा है छात्रों में इतिहास और नागरिक शास्त्र विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना सबसे पहला सामान्य उद्देश्य है। दूसरा कहता है छात्रों को नागरिक शास्त्र के तथ्यों से परिचित कराना सेकेंड। वहीं तीसरा है एक छात्रों की बौद्धिक क्षमता का विकास करना। जो अगला पॉइंट है सामान्य उद्देश्य के तहत, उसमें है एक छात्र को विषय विषय उद्देश्यों की जानकारी उत्पन्न करना है, विषय विषय जानकारी प्रदान करना है। जो लास्ट पॉइंट है वो कहता है छात्रों में जिज्ञासु प्रवृत्ति जागृत करना। ठीक है, कुछ जानने की इच्छा को जागृत करना, ये है आपका जो है लास्ट पॉइंट। आगे इसमें देखते हैं विशिष्ट उद्देश्य को लेकर के। जो स्पेशल ऑब्जेक्टिव है वो है छात्रों को नदी घाटी सभ्यता पाठ बताते हुए उसके महत्व के विषय में बताना, ये आपका स्पेशल ऑब्जेक्टिव है। बात करते हैं TLM के बारे में, क्या कुछ TLM हम इसमें यूज करेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री जो है या शिक्षण अधिगम सामग्री इसमें है। पाठ से संबंधित चार्ट का प्रयोग हम करेंगे। प्रीवियस नॉलेज के बारे में जान लेते हैं। पूर्व ज्ञान के बारे में इसमें है, एक छात्र नदी के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। मैं बात करने जा रहा हूँ नदी घाटी सभ्यता के बारे में, तो उनको एक जनरल सी इन्फॉर्मेशन है कि वॉट इज रिवर, ठीक है, नदी क्या होती है वो जानते हैं। प्रस्तावना प्रश्न के बारे में बात करते हैं, तो आपको पता है प्रस्तावना प्रश्न में दो कॉलम होते हैं, एक छात्र अध्यापिका का कथन यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, और दूसरा होता है एक छात्र का कथन। तो हम देखते हैं इसमें कैसे क्वेश्चनरी प्रश्नोत्तरी कैसे चलती है, इस चीज इस प्रकरण को समझाने के लिए छात्रों और टीचर्स के बीच में, ठीक है, स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में। सबसे पहला जो सवाल है वो टीचर के द्वारा बच्चों से जो पूछा जा रहा है वो इसमें लिखा हुआ है, छात्रों जब हमें प्यास लगती है तो हम क्या करते हैं, तो जो आंसर है वो है पानी पीते हैं। ठीक है, अगला सवाल इसमें लिखा हुआ है पानी हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, यानी सोर्सेज क्या है वाटर के, तो जो आंसर होगा वो है तालाब है, नदी है, कुआं है, ठीक है, ट्यूबवेल है, कुछ भी अब इसमें जो है बता सकते हैं। ठीक है, जो नल है वो भी आप इसमें बता सकते हैं, मतलब बच्चे आंसर दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें है नदी घाटी सभ्यता के विषय में आप क्या जानते हैं। अब जब नदी की बात हो गई, इसमें उन्होंने इंक्लूड कर दिया बच्चों ने, तो अगला जो सवाल आया वो है कि नदी घाटी सभ्यता से आप क्या समझते हैं या उसके विषय में आप क्या जानते हैं, और ये होगा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन, समस्यात्मक सवाल बच्चों के लिए, इसका उत्तर वो नहीं दे पाएंगे, तो आप यहाँ पर समस्यात्मक लिख देंगे और इसी सवाल का उत्तर जो है बाकी जानने की कोशिश करेंगे। उद्देश्य कथन को देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है छात्रों आज हम नदी घाटी सभ्यता के पाठ का विस्तृत अध्ययन करेंगे, डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, स्टडी करेंगे उसके बारे में। इसमें से हम देख लेते हैं प्रस्तुतिकरण रिप्रेजेंटेशन को लेकर के। रिप्रेजेंटेशन पर जाने से पहले आप सभी को दिखा दूं कि किस तरीके से इसमें जो डायग्राम है वो चस्पा किया गया है, चित्र को इसमें चिपकाया गया है, आप बिल्कुल ऐसे से चिपका सकते हैं। इसमें देखिए लिखा हुआ है चीनी बर्तन, तो चीन की सभ्यता के हिसाब से है। इसमें पिरामिड जो है वो मिस्र की सभ्यता को, ये ऐसे प्रतीक चिन्ह है, ऐसी चीजें हैं, ऐसी वस्तुएं हैं जो दर्शाती हैं उस देश उस कंट्री की जो है
सभ्यता को, ठीक है। यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता में भी आप मुहरें, आप जो भी अभिलेख है कुछ भी दिखा सकते हैं जो कि वहां से मिले थे, ठीक है। कांसे की मूर्ति की बात करें मोहनजोदड़ो वाली, ठीक है, नृत्य करती हुई, तो आप कुछ भी साइन बना के दिखा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, इंडिया के पर्सपेक्टिव में। ये फिलहाल ये चाइनीज और जो मिस्र की जो सभ्यता है सिविलाइजेशन उसके बारे में है। तो देख लेते हैं इसमें आगे प्रस्तुतिकरण में जो कथन लिखा हुआ है इसमें शास्त्राध्यापिका का और छात्र का, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है, अब इसको थ्योरेटिकल उसमें हमें पढ़े दे रहा हूं इसको, कि विश्व की प्राचीन नगर सभ्यता का विकास नदियों के किनारे हुआ। नदी के किनारे होने के कारण खेती के लिए पानी की उपलब्धता ने अधिक अन्न उत्पादन में होने से अधिक अन्न उत्पादन में मदद मिली, जिससे नगरों का विकास संभव हो सका। सन 1621 में पुरातत्वविदों ने पंजाब प्रांत में हड़प्पा नामक स्थल की खोज की। ये 1921 है, ठीक है, एग्जैक्टली इसमें हड़प्पा नामक स्थल के खंडहर की खोज की थी, ठीक है। हाँ ठीक है, पुरातत्वविदों 1621 में, वो तो राखालदास बनर्जी और उनकी बात अलग थी जो बाद में किए थे मार्शल के नेतृत्व में, ठीक है। तो खंडहर की खोज की, इसके अवशेषों से पता चला कि यह एक नगरीय सभ्यता के अवशेष हैं। आगे इसमें लिखा हुआ है, सिंध प्रांत में एक और गांव मिला जिसको लोग मोहनजोदड़ो कहते थे। इसका अर्थ है मृतकों का टीला, ठीक है। जो मोहनजोदड़ो है इसका हिंदी अर्थ मतलब होता है मृतकों का टीला, ठीक है। यहां से भी नगरीय सभ्यता के अवशेष मिले, क्योंकि यह अवशेष सिंधु घाटी में मिले थे, इसलिए सभ्यता को सिंधु नदी घाटी सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु नदी के किनारे था इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं, सरस्वती सिंधु सभ्यता भी बोलते हैं, कई सारे नाम है इसके, ठीक है। कहां से भी सभ्यता, इसमें लिखा हुआ कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी बहुत शांति प्रिय, आगे देखते हैं, थे, क्योंकि यहां लड़ाई के अस्त्र शस्त्र बहुत कम संख्या में मिले हैं। यह सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी, इसीलिए इसको कांस्ययुगीन सभ्यता भी बोलते हैं। सिंधु घाटी सबसे प्राचीन सभ्यता थी, भारत की पहली नगरीय सभ्यता थी, ठीक है, पहली नगरीय सभ्यता इसको बोला गया। वही सिंधु घाटी के लोग जो थे वो सूती के कपड़ों का उपयोग करते थे। सिंधु घाटी की सभ्यता की जो लिपि थी वो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। ये जो मैं बोल रहा हूं वो सेकंड पेज पे लिखा हुआ है, यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे है, ठीक है, कि प्रयोग करते थे, और हप्पा सभ्यता की जो लिपि थी वो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। ध्यान रहे यहाँ पर क्षात्र क्रिया में क्या होना है कि सभी क्षात्र ध्यानपूर्वक इसको जो है सुनते जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। आगे देखते हैं, इसमें बात करते हैं विकासात्मक सवाल को लेकर के। विकासात्मक सवाल में लिखा हुआ है, भारत की पहली नगरीय सभ्यता कौन सी थी? तो भारत की पहली नगरीय सभ्यता में जो विकासात्मक सवाल है उसमें उत्तर होगा सिंधु घाटी सभ्यता। जो दूसरा है कि सभ्यता के लिए दाएं से बाएं लिखी जाती थी जो लिपि होती थी वो है हड़प्पा सभ्यता। अगला इसमें है कि सभ्यता की लिपि चित्रात्मक थी। अब ये समस्यात्मक सवाल होगा, प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन होगा, तो आप यहाँ पर समस्यात्मक सवाल लिख देंगे। स्पष्टीकरण में इसके उत्तर को जानने की कोशिश करेंगे, देखते हैं इसमें एक्सप्लेनेशन में। इसमें लिखा हुआ है, मेसोपोटामिया सभ्यता की लिपि चित्रात्मक थी। यह सभ्यता 5000 ईसा पूर्व से लेकर के 2000 ईसा पूर्व तक धजला फरात, ठीक है, नदी के किनारे विकसित हुई। जो मैं बात कर रहा हूं मेसोपोटामिया सभ्यता के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें, इसी प्रकार मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे विकसित हुई थी। मिस्रवासी शवों को कुछ रसायन को लगा करके पिरामिड के अंदर रखते थे। इन शवों को ममी कहा जाता था, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं तो वांगो जो वहां की रिवर है चाइना की, तो वो भी, वो जो चाइनीज सभ्यता है वो भी नदियों के किनारे, नदी के किनारे ही विकसित हुई थी। उसकी भी लिपि जो है चित्रात्मक लिपि है, आप वो भी बता सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं, स्पष्टीकरण में दे सकते हैं। बोधात्मक सवाल पे आते हैं, इसमें बात करते हैं किस सभ्यता की लिपि चित्रात्मक थी। आप लिखेंगे मेसोपोटामिया सभ्यता की लिपि जो है चित्रात्मक थी, ठीक है। आगे इसमें मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ जो होता है वो है मृतकों का टीला। श्याम पट्टकारे को देख लेते हैं इसमें, श्याम पट्टकारे में क्या कुछ लिखा हुआ है? इसमें फिर से वही सवाल लिखे हुए हैं, नदी घाटी सभ्यता आपका जो विषय है आपका इतिहास नागरिक शास्त्र के, उसमें प्रकरण है नदी घाटी सभ्यता। सवाल है कि किस सभ्यता की लिपि जो है वह चित्रात्मक थी? इराक है, मेसोपोटामिया आज का, ठीक है, सभ्यता की जो लिपि थी चित्रात्मक थी। दूसरा लिखा हुआ मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला है। आप इससे ज्यादा भी सवाल अपने उसमें लिख सकते हैं। बात करते हैं निरीक्षण कार्य के बारे में। निरीक्षण कार्य में वही होता है कि जो भी बच्चे उतार रहे होंगे उसको टीचर ध्यान देंगे उस पर कि क्या कुछ वो कॉपी कर रहे हैं ब्लैक बोर्ड से, ठीक है। कुछ सुधार करने लायक है तो उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। बात करते हैं रिवीजन कार्य को लेकर के, रिवीजन वर्क को। इसमें सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? दूसरा सवाल है कि सभ्यता में पिरामिड पाए जाते थे, तो आप इसमें बताएंगे। होमवर्क में लिखा हुआ है रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। मोहनजोदड़ो का अर्थ यहाँ पे डैश है क्या होता है, फिर डैश करके लिखा हुआ है कि लिपि चित्रात्मक थी। अगला सवाल है इसमें हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वो डैश फिर से है लिखी जाती थी। उसके बाद है कांस्ययुगीन सभ्यता,
है, तो कहां से भिन्न सभ्यता कौन सी है वो आपको इसमें फिल करना है, ठीक है। तो मित्रों ये थी बात इतिहास और नागरिक शास्त्र को लेकर के, जो आज का जो प्रकरण था वो था नदी घाटी सभ्यता। आप सभी से अनुरोध है कि जो स्क्रीन पर जो वीडियोज आ रहे हैं इनको भी आप जरूर देखें, दाएं और बाएं साइड के। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।